हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। जोधपुर जेल से फरार बंदी की धरपकड़ के लिए चलाया सर्च अभियान। पिछले माह जोधपुर के केंद्र कारागार के महिला जेल में बनी क्वारंटाइन जेल की दीवार फांद कर फरार हुए हिस्ट्री शीटर कैलाश टोडिया की तलाश में आज कूड़ी एरिया में सर्च अभियान चलाया गया। आज सुबह वो कूड़ी में देखा गया। पुलिस के एक सिपाही ने उसे देखा, तब वो भाग गया। इस पर पुलिस उपायुक्त पश्चिम आलोक श्रीवास्तव के सुपरविजन में टीम का गठन कर रातानाड़ा, बासनी व कूड़ी पुलिस को लगाया गया। करीब 100 से ज्यादा सिपाही अफसर उसकी तलाश में सर्च करते रहे, लेकिन उसका पता नहीं लग सका। पुलिस आस पास से झुग्गी झोपड़ियों व डेरों को खंगालने के साथ ही झाड़ियों में तलाश कर रही है। ADCP वेस्ट भागचंद्र ने बताया कि सुबह कांस्टेबल ने कैलाश डोडिया को कूड़ी एरिया में देखा था। बाद में उच्च अधिकारियों को सूचना मिलने के साथ ही उसकी तलाश करवाई गई। उसकी तलाश की जा रही है। बता दें कि मूलत जालौर जिले में भाद्राचून थाना अंतर्गत उकली गांव हाल दल्ले खां की चक्की के पास झुग्गी झोपड़ी निवासी कैलाश उर्फ डोडिया गत 12 अगस्त को सुबह जेल से फरार हुआ था। हत्या के मामले में उसे न्यायिक अभिरक्षा में रखा गया था। वो महिला जेल में बने अस्थायी क्वारंटाइन जेल में बंद रखा गया था। चौपासनी हाउसिंग बोर्ड थाना अंतर्गत पाल बालाजी मंदिर के पीछे स्थित मार्बल कटिंग फैक्ट्री व निर्माणाधीन मकान में गत 25 जुलाई की मध्य रात्रि कैलाश टोडिया जानलेवा हमला किया गया था। फैक्ट्री में चौकीदार व मकान में चौकीदार दंपति घायल हो गए थे। इसके अगले दिन घायल गार्ड रोहिचा कला निवासी नरेश रानीजा की मृत्यु हो गई थी, जबकि राजेश व पत्नी सुनीता घायल हो गए थे। पुलिस ने हमलावर कैलाश उर्फ डोडिया को गिरफ्तार कर 29 जुलाई को न्यायिक अभिरक्षा में भिजवाया था। वो शास्त्री नगर थाने का हिस्ट्री शीटर है। कैलाश था जो महीने भर पहले ये सेंट्रल जेल से फरार हो गया था, और उससे पहले एक 302 के केस में और 307 में ये जेल में सजा काट रहा था। शास्त्री नगर थाने का हिस्ट्री शीटर था। तो आज इसकी सूचना मिली थी कि अपने डेरे में आया हुआ है। तो सुबह हमारी टीम आई, तो टीम ने कुछ डेवलपमेंट किया, तो जैसे ही उसको पता आभास हुआ कि पुलिस पीछे है, तो वो झाड़ियों में भाग गया। झाड़ियों में हमने सघन चेकिंग करवा ली आसपास के लगभग 1 किलोमीटर एरिया में ड्रोन्स के थ्रू, और ये खाली जो हाउसिंग बोर्ड के क्वार्टर सब दिखवा लिए। अभी तक उसका कोई पता नहीं लगा, फिर भी तलाश जारी है। अभी जागरूक टीवी के लिए जोधपुर से मुकेश शिमर की रिपोर्ट।